योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूर दृष्टता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा, धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है, और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। यानी धर्म के दो हेतु भारत की ऋषि परंपरा ने हम सबको बताए हैं और योग भी हम सबको उस परंपरा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। याद रखिए भारतीय मनीषा इसी बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तभी पूर्ण हो सकते हैं जब ये शरीर आपका स्वस्थ हो, एक काया आपकी स्वस्थ हो। काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। तो इस उन सभी साधनों को पूरा करने का माध्यम हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है, योग है। हर उम्र के व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के योग की विधाएं, बालक हो, युवा हो, अधेड़ हो, बुजुर्ग हो, उन सब के लिए योग की उतनी क्रियाएं हैं, उतनी विधाएं हैं। वह उसका अभ्यास करके अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है और समाज या व्यक्ति या समाज और राष्ट्र अगर स्वस्थ है तो समुन्नत और सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं।